वेश्यावृत्ति समाज के लिए लीगल है और इसको लेकर के पुलिस से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि परेशान ना करे वेश्यावृत्ति करने वालों। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी जानते हैं देश भर में एक फिल्म आई हुई थी गंगूबाई करके, जिस गंगूबाई के चलते काफ़ी बड़ा उस मूवी में जो है मैसेज दिया गया था कि वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा नहीं दिया जाता। आज भी ऐसा है कि बच्चों को अलग नज़रिए से देखा जाता है, उनके लिए एक अलग सा समाज बना हुआ है। उसी को ले करके जो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्षता है एल नागेश्वर राव, उनकी तीन बेंच बैठाई गई थी और इस तीन बेंच के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया कि जो पुलिस है वो खास तौर पर वेश्यावृत्ति करने वाले लोगों को ना परेशान करे, उन पर ना ही केस बनाए और ना ही उन्हें अत्याचार करे और ना ही उन्हें दबाव बनाए रखे। ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और ये भी कहा है कि जो वेश्यावृत्ति है उसको भी एक सामाजिक हक है, क्योंकि उनका ये काम है करना, वो पेशा है, तभी उससे उनकी रोजी रोटी चलती है। और वेश्यावृत्ति जो ये पूरा काम है, इस काम को लेकर के कुछ सेक्स वर्कर ने भी जानकारी दिया मीडिया से कि खास तौर पर हम अगर रोड पर खड़े होते या किसी जगह पर खड़े होते तो पुलिस द्वारा हमें उठाकर ले जाया जाता है, हफ्ता मांगा जाता है, 150, 200, 225 ऐसे हफ्ते भी मांगे जाते हैं और उन पर एक दिन जो है लॉकअप में रखकर केस भी बनाया जाता है। तो ऐसे सब चीज़ों को अब लेकर के काफ़ी खुशी उन्होंने जाहिर की है कि हम वेश्यावृत्ति को भी एक कानूनी दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 21 के तहत सभी लोगों को संवैधानिक हक है जीने का, और ऐसे में वेश्यावृत्ति भी जो एक काम है और ये भी समाज से जुड़ा हुआ है, तो इसे अनलीगल ना ठहराते हुए इसे लीगल काम ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए क्या कुछ जानकारी वेश्यावृत्ति करने वाले कुछ महिलाओं ने दिया है। कोई लड़की लोग को बाहर का रोड पे खड़ा रहने को नहीं देता था, अपना एरे में नीचे से ऊपर भगा देता था और मिलेगा तो 50 रुपये पहला लेता था, उसका बाद में फिर 100 रुपये लेने लगा, फिर 150 रुपये लेने लगा। पहला जेल में बंद करता था, पैसा नहीं भरेगा तो जेल में बंद कर देता था हम लोग को एक रात, वो भी मझगाँव कोर्ट लेके जाता था। कोई टाइम बहुत तकलीफ होता था सर, बाल कैसा पकड़ता था ना, हमारा बाल पकड़ता था। तो किधर भी कभी भी आओ, कभी भी रोड पे खड़ा रहो तो दो पैसा कभी भी कमाओ, ऐसा अपना माँ बाप को बाल बच्चा को हमारे लिए ऐसा ना तो खड़ा रह के थोड़ा टेंशन नहीं है, इधर से पुलिस आया, उधर से पुलिस आया, सामने से पुलिस आया, वो लोग को देखने बिगर ऐसा हम लोग कैसा उधर इधर में बिंदास खड़ा रह के दो पैसा कमाएगा करके बोल के औरत लोग खुश होता है सर। अभी तो और भी अच्छा ही है सर, खुला हो गएगा तो अच्छा है। अभी घड़ी घड़ी दाढ़ पड़ना, जुल्म करना बोलेगा तो अच्छा नहीं सर। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।